हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक कम्युनिकेटिव इंग्लिश से करेंगे पोयम, जो कि आपके यूनिट नंबर 1 में है। इसका नाम है एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस। तो होता क्या है, चिल्ड्रन ऑलवेज लव प्लेइंग, बच्चों को खेलना बड़ा पसंद होता है, एंड हार्डली एवर एंजॉय गोइंग टू स्कूल, और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है स्कूल जाना, और डूइंग एनी होमवर्क, और स्कूल का काम करना भी उनको नहीं पसंद होता। ऑफन दे कॉइन वेरी फनी एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब होमवर्क करके नहीं लाते हैं स्कूल, तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। द कॉमनेस्ट एक्सक्यूज इज़ पुअर ग्रैनीज डेथ, और सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ जो बच्चे बनाते हैं अक्सर स्कूल में, कि उनकी नानी या दादी मर गई, और इट इज़ द पैट डॉग्स फॉल्ट, या फिर उनका जो पालतू जानवर है उनका डॉग, उसकी गलती है, उसकी गलती की वजह से वो उनका काम ख़राब हो गया या वो काम करके नहीं आए। हैव यू एवर ट्राइड एनी, क्या आप में से किसी ने ऐसा कोई एक्सक्यूज़ ट्राई किया है स्कूल में? तो चलिए, यहाँ ऐसे ही एक पोयम है जिसमें एक बच्चा है जिसका नाम है ब्लैक एंड सॉप, और वो तरह तरह के बहाने बनाता है अपने टीचर के सामने। तो पहले एक रीडिंग कर लेते हैं, इस पोयम को रिसाइट कर लेते हैं पहले एक बार, फिर हम इसको समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। सो लेट्स रिसाइट इट। लेट अगेन ब्लैक एंड सॉप, व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम? नॉट माई फॉल्ट सर, हूज़ फॉल्ट इज़ इट देन? ग्रैंडमा सर, ग्रैंडमास, What did she do? She died, sir. Died? She's seriously dead, all right, sir. That makes 4 grandmothers this term, Black and Soap, and all on PE days. I know, it's very upsetting, sir. How many grandmothers have you got, Black and Soap? Grandmothers, sir? None, sir. You said you had 4. All dead, sir. And what about yesterday, Black and Soap? What about yesterday, sir? You were absent yesterday. That was the dentist, sir. The dentist died? No, sir. My teeth, sir. You missed the math test, Black and Soap. I had been looking forward to it, sir. Right. Line up for PE. Can't, sir. No such words as can't, Black and Soap. No kit, sir. Where is it? Home, sir. What's it doing at home? Not ironed, sir. Couldn't you iron it? Can't, sir. Why not? Bad hand, sir. Who usually does it? Grandma, sir. Why couldn't she do it? Dead, sir. हाँ तो बच्चों, चलिए हमने रेसिटेशन कर लिया है पोएम का, अब हम देखते हैं कि इस पोएम में क्या कह रहा है पोइट। तो यहाँ पर पोइट एक बच्चा है ब्लैक एंड सोप, ठीक है, उसके बारे में ये बताता है कि वो किस तरह से स्कूल में तरह तरह के बहाने बनाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या कहता है। लेट अगेन ब्लैक एंड सोप, ब्लैक एंड सोप का जो टीचर है वो उससे कहता है कि तुम फिर से लेट हो गए, व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम, और उसका टीचर कहता है कि इस बार क्या बहाना लेकर आए हो। तो बच्चा कहता है नॉट माई फॉल्ट सर, सर मेरी कोई गलती नहीं है। तो टीचर पूछता है हुज फॉल्ट इज़ इट देन, तो फिर किसकी गलती है? ग्रैंडमा सर, बच्चा कहता है, ब्लैक एंड सॉप कहता है कि ये ग्रैंडमा की गलती है। ग्रैंडमास, व्हाट डिड शी डू, यहाँ टीचर हैरान हो जाता है, वो पूछता है कि ग्रैंडमा की गलती है, क्या किया ग्रैंडमा ने? शी डाइड सर, तो वो बताता है कि वो मर गई, ग्रैंडमा मर गई। अब टीचर सुनकर यहाँ हैरान हो जाता है, वो कहता है डाइड, फिर वहाँ वो कहता है बच्चा शी इज़ सीरियसली डेड ऑल राइट सर, वो बताता है कि हाँ वो सर वाकई में वो मर गई है। अब यहाँ पर देखिए आपकी बुक में मीनिंग दिया हुआ है ऑल राइट का, नीचे दिया हुआ है ऑल राइट मीन्स यूज टू से दैट देयर इज़ नो डाउट अबाउट समथिंग, मतलब कि इस बात में कोई भी डाउट नहीं है, कोई शक की बात नहीं है कि वो वाकई में मर चुकी है। That makes 4 grandmothers this term black and soap. अब टीचर जो है वो सुनकर कहता है कि इस तरह से तो तुम्हारी एक टर्म में 4 grandmother हो गई, उसके हिसाब से तो टर्म मीन्स वन ऑफ द 2 or 3 पीरियड्स इन द ईयर ड्यूरिंग विच क्लासेज आर हेल्ड इन स्कूल। हमारे स्कूल में टर्म्स होते हैं ना, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होता है, सेकेंड टर्म का होता है, थर्ड टर्म का, तो इस तरह से टीचर कहता है कि इस एक टर्म में तुम्हारी ग्रैंड मदर 4 हो गई इस तरह से।
एंड ऑल ऑन पीई डेज, और तुम्हारी सारी जो ग्रैंड मदर हैं चारों, वो पीई डेज पर ही उनकी डेथ हो जाती है। पीई क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज टॉट इन स्कूल्स। तो आपका भी स्कूल में पीई का होता है डे, फिज़िकल एजुकेशन का डे होता है, जिसमें आपको खेल खिलवाया जाता है, आपको एक्सरसाइज करवाई जाती है, और आपका यूनिफॉर्म भी चेक किया जाता है, और आप लोग अपना स्पोर्ट्स का किट लेकर जाते हैं और वो किट पहनकर फिर आप खेलते हैं, और किट में आपके कुछ बॉल वगैरह भी आप लोग लेकर जाते हैं, फुटबॉल वगैरह या बैट बॉल लेकर जाते हैं। तो यहाँ टीचर कहता है कि तुम्हारी जो ग्रैंड मदर हैं, एक टर्म में चार ग्रैंड मदर हो जाती हैं इस तरह से, और सारी ग्रैंड मदर तुम्हारी पीई डे में फिज़िकल हेल्थ एजुकेशन के दिन ही उनकी डेथ हो जाती है। आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर। तो यहाँ ब्लैक एंड सॉप कहता है कि हाँ सर, ये बड़े ही अफसोस की बात है। हाउ मैनी ग्रैंड मदर हैव यू गॉट, ब्लैक एंड सॉप? तो टीचर कहता है हाँ, तो तुम्हारी कितनी ग्रैंड मदर हैं? ग्रैंड मदर सर? नन सर। तो वो है, वो भूल जाता है जो भी टीचर को उसने पहले एक्सक्यूजेस बोले थे, वो भूल गया। तो कहता है कि ग्रैंड मदर सर? कहता है कि कोई भी नहीं है। यू सेड यू हैड फोर। तो टीचर कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी चार ग्रैंड मदर हैं। तो फॉरन ब्लैक एंड सोप को याद आता है, तो वो कहता है ऑल डेड सर, कि सारी ग्रैंड मदर जो हैं वो सब मर गई। अब यहाँ टीचर आगे उससे पूछता है, एंड वॉट अबाउट यस्टरडे ब्लैक एंड सोप? और कल क्या हुआ था? वॉट अबाउट यस्टरडे सर? सर कल क्या हुआ था? यू वर एबसेंट यस्टरडे। तो टीचर कहता है कल तुम एबसेंट थे, कल तुम आए नहीं थे स्कूल। दैट वॉज अ डेंटिस्ट सर। तो यहाँ ब्लैक एंड सोप जो फिर वो एक एक्सक्यूज़ बनाता है, कहता है कि मैं डेंटिस्ट की वजह से नहीं आ पाया, द डेंटिस्ट डाइड। तो टीचर को तो लगता है कि वो हर किसी को मार ही देता है, तो टीचर कहता है कि डेंटिस्ट मर गया? नो सर, माई टीच सर। तो कहता है नहीं सर, डेंटिस्ट नहीं, मेरे दांत की वजह से मैं नहीं आ पाया। यू मिस द मैथ्स टेस्ट ब्लैक एंड सोप। तब टीचर उसको याद दिलाता है कि तुमने मैथ्स का टेस्ट जो है वो मिस कर दिया है ब्लैक एंड सोप। आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। अब ये तो एक बहानेबाज बच्चा है, उसने अपना मैथ्स का टेस्ट मिस कर दिया था, तो बहुत अच्छे से कहता है कि आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लुकिंग फॉरवर्ड का मीनिंग होता है, देखिए आपके बुक में ये दिया हुआ है, थिंकिंग विद प्लेजर अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, यानी किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा सोचना कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो यहाँ वो कहता है कि मैं तो अच्छा ही सोच रहा था उसके बारे में, ठीक है, यानी मैं इंतज़ार कर रहा था मैथ्स के टेस्ट का। राइट, लाइन अप फॉर पी ई। अब टीचर समझ गया खैर कि ये इसके सारे एक्सक्यूजेज हैं। अब टीचर उससे कहता है कि चलो अपना फिज़िकल एजुकेशन के लिए तुम अब खड़े हो जाओ लाइन में। कांट सर। अब वो यहाँ पर खड़े होने से मना कर देता है कि मैं नहीं हो सकता। नो सच वर्ड्स एज कांट, ब्लैक एंड सोप। जब वो ब्लैक एंड सोप कहता है कांट सर, तो टीचर कहता है कि कांट जैसा कोई वर्ड नहीं होता। नो किट सर। तब वो बताता है कि क्या वजह है, कहता है कि सर मेरे पास मेरा किट नहीं है। किट कहते हैं कि खेल के जो कपड़े और कपड़े, जूते और जो भी स्पोर्ट्स का सामान होता है उसको किट कहते हैं, ठीक है। वेयर इज़ इट। अब टीचर पूछता है कि कहाँ गया तुम्हारा किट, तो कहता है होम सर, घर पर है। व्हाट्स इट डूइंग एट होम। अब टीचर कहता है कि वो घर पर क्या कर रहा है तुम्हारा किट। नॉट आयरन सर। अब किट में तो कपड़े भी होते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है स्पोर्ट्स का। तो वो कहता है, ब्लैक एंड सोप कहता है नॉट आयरन सर, सर उन पर आयरन नहीं हुई थी। कुडेंट यू आयरन इट। क्या तुम अपने कपड़ों को आयरन नहीं कर सकते? कांट सर। तो कहता है नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। अब टीचर पूछता है वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? तो कहता है बैड हैंड सर। तो वो कहता है बैड हैंड सर, बैड हैंड का मतलब होता है मिसफॉर्च्यून, यानी कि बदकिस्मती से। हु यूजुअली डज इट। तो वो पूछता है टीचर कि कौन करता है फिर तुम्हारे कपड़ों को आयरन। तो कहता है ग्रैंड मा सर। अब टीचर फिर से पूछता है वाई कुडंट शी डू इट, तो फिर तुम्हारी ग्रैंड मदर ने क्यों नहीं किया तुम्हारे कपड़ों को आयरन। डेट सर। और फाइनली फिर से उसका वही एक्सक्यूज़ होता है कि ग्रैंड मदर जो है उसकी डेथ हो गई। तो है ना कितनी फ़नी फ़नी से एक्सक्यूज़ेस सारे। हर बार वो अपनी ग्रैंड मदर को ही मार देता है, उनकी डेथ कर देता है।
तो ये एक बहुत ही फ़नी सा बच्चा है। देखिए सारे बच्चे क्लास के उसके ऊपर हंस रहे हैं और यहाँ टीचर जो है वो उसके इस तरह के एक्सक्यूज़ से इतना परेशान हो गया, अपने सर को खुजा रहा है और ये बच्चा मुस्कुरा रहा है और ये इस तरह के बहाने अक्सर स्कूल में बनाता रहता है और अक्सर बच्चे इस तरह के बहाने बनाते ही रहते हैं स्कूल में। तो इस पोएम को अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इस पोएम के सॉल्यूशंस लेकर आऊँगी। टिल देन गुड बाय।